Welcome students, today we are going to learn English spoken and this is the general structure number 1. We start our English classes. GS number 1, it is the command based structure. यानी कि ये जो है ऑर्डर देने के लिए या किसी को कुछ कमांड देने के लिए ये स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं. तो इसका जो स्ट्रक्चर है V1, यानी कि V1 मीन्स वर्ब 1 एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. ओके, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. द एग्जांपल नंबर 1, गो देयर, वहां जाओ. तो यहां पर क्या है, ये जो गो है ये वर्ब 1 है और ये जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया. यानी कि गो यानी कि जाना, कहाँ जाना तो वहां जाओ. यानी कि वर्ब के साथ कोई अदर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का हम यहां इस्तेमाल करते हैं. और दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं. स्टॉप टॉकिंग, कम क्विकली, लुक एट व्हाइट बोर्ड एंड इन दिस टाइम यू आर लुकिंग एट व्हाइट बोर्ड. आप लोग अभी क्या है व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं. तो अगर मुझे अगर किसी को भी कोई कमांड देना होगा तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं. ओके, V1 का. और आफ्टर दैट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट है कम टू मी, यानी कि मेरे पास आओ. स्टैंड अप, खड़े हो जाओ. मूव अ बिट, थोड़ा सा घसके. बी केयरफुल, सावधान रहिए. ओपन योर बुक, अपना किताब खोलिए. तो ये जो है बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है और इसके साथ ही साथ हम लोग और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जो है इस पर हम लोग बना सकते हैं. जैसे कि अगर मुझे प्यास लगी है और मुझे एक गिलास पानी चाहिए तो हम ऑर्डर दे सकते हैं यहां पर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, अगर आपको अपने फ्रेंड से एक कलम चाहिए, गिव मी योर पेन. तो इस तरह से हम लोग क्या है कि इंग्लिश को बोलना हम लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ, यानी कि हम अपने आप का, आप अपना जो इंट्रोडक्शन है, अपना परिचय आप कैसे देंगे अपने फ्रेंड्स को या पेरेंट्स को या टीचर्स को. और ये जो दूसरा क्लासेस है कि यहाँ से हम लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे. यानी कि ये छोटे छोटे जो वर्ड्स है, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है, ये सबसे फर्स्ट GS नंबर 1 है, यहाँ से हम लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे. तो यहाँ पर लगभग कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया है और इसके आगे जो है आप कम से कम 10-15 एग्जाम्पल और बनाएंगे अपने घर पर. और साथ ही साथ जो ये है, बनाने से ज़्यादा समझने से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे. अगर आप इस स्ट्रक्चर का, अगर इस सेंटेंसेस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप आसानी से बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में आप इंग्लिश को अपने भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं. और मैं यहाँ पे एक नोट बता दूं, यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस ऑर्डर और कमांड. यानी कि हमें जो ये GS नंबर 1 का जो इस्तेमाल है, ये GS नंबर 1 का इस्तेमाल जो है हम लोग किस पे करना है, अपने ऑर्डर और कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि अपने ऑर्डर और कमांड को जाहिर करने के लिए. और नेक्स्ट वीडियो जो है कि हम किसी से रिक्वेस्ट करके किस तरह से बातें करेंगे. और जनरल स्ट्रक्चर नंबर 2 यानी कि GS नंबर 2 भी हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें. सो दैट्स ऑल.